अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुबस्सिर और स्वागत करता हूं एमटॉक्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर देश में होती है कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था को संभालने के लिए होते हैं पुलिस। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे देश में जो है बहुत तरह के रैंक के पुलिस है। दोस्तों, तो हम के इंसानियाँ देख के आप कैसे जान पाएंगे कि ये कौन से रैंक का पुलिस है। दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो ये वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लास्ट तक जरूर ये वीडियो देखें आप। दोस्तों, पुलिस रैंक को जो है हम दो भागों में बांट कर सकते हैं। दोस्तों, एक होता है गैजेटेड ऑफिसर और एक होता है नॉन गैजेटेड ऑफिसर। तो गैजेटेड ऑफिसर में दोस्तों दो तरह के होते हैं पुलिस। एक होता है आईपीएस, सारे आईपीएस ऑफिसर, वो नंबर वन कैटेगरी के होते हैं दोस्तों। और नंबर टू कैटेगरी के जो होते हैं दोस्तों, वो स्टेट लेवल के होते हैं, ऑल स्टेट पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स, ये होते हैं स्टेट लेवल के। ये होते हैं दो नंबर कैटेगरी के, और इनका जो है रैंक इंस्पेक्टर के रैंक से ज़्यादा होता है दोस्तों। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं गैजेटेड ऑफिसर के बारे में। आपको एक और बात बता दें कि दोस्तों, सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है पुलिस ऑफिसर पुलिस रैंक में, तो वो होता है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो का, यानी डीआईबी का। सबसे जो छोटा रैंक होता है वो होता है पुलिस कांस्टेबल का। दोस्तों, और एक बात आपको बता देते हैं, जितने भी आईपीएस ऑफिसर होते हैं दोस्तों, उनके शोल्डर में आपको आईपीएस लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आईपीएस ऑफिसर के बारे में। गैजेटेड आईपीएस ऑफिसर जो है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे ऊपर जो मकाम आता है वो आता है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इनको आप आसानी से किस तरह पहचान सकते हैं, इनके इंसानिया में आपको देखने को मिलेगा एक राष्ट्रीय चिन्ह, उसके नीचे जो आपको मिलेगा एक स्टार, और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा क्रॉस, तलवार और लट्ठी, और आईपीएस नीचे उसके लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद जो आता है दोस्तों, वो आता है कमिश्नर ऑफ पुलिस स्टेट लेवल का, या फिर कह सकते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीपी और डीजीपी। दोस्तों, इसके इंसानिया में आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय चिन्ह, और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा क्रॉस, तलवार और लट्ठी, और उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा दोस्तों आईपीएस। उसके बाद आता है दोस्तों जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जेसीपी और आईजीपी। इनको पहचानने का तरीका है दोस्तों, इनके इंसानिया में आपको देखने को मिलेगा एक स्टार, और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा क्रॉस, तलवार के साथ लट्ठी, और आईपीएस नीचे उसके लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आता है दोस्तों एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। देखिए, इसको पहचानने का तरीका है, इसके इंसानिया में आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय चिन्ह और तीन स्टार देखने को मिलेंगे ट्राई एंगल में। उसके बाद जो आता है दोस्तों डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस आता है सिलेक्शन ग्रेड का, या सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डीसीपी या एसएसपी आप इसको कह सकते हैं। इसके इंसानिया में देखने को मिलेगा आपको दोस्तों एक राष्ट्रीय चिन्ह, उसके नीचे दो स्टार, और उसके नीचे आईपीएस लिखा हुआ। उसके बाद आता है दोस्तों डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डीसीपी और एसपी। और इनको पहचानने का तरीका यह है कि इनके इंसानिया में आपको देखने को मिलेगा एक राष्ट्रीय चिन्ह, उसके बाद एक स्टार, और उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा आईपीएस। उसके बाद आता है दोस्तों एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसमें जो है आपको इनके इंसानिया में देखने को मिलेगा एक राष्ट्रीय चिन्ह, और उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा आईपीएस। उसके बाद आता है दोस्तों असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसीपी और डीएसपी। तो इनके इंसानिया में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा थ्री स्टार, और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा आईपीएस लिखा हुआ। उसके बाद दोस्तों आता है असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि दो साल के सर्विस के बाद होता है दोस्तों, और इनके इंसानिया में आपको देखने को मिलेगा दो स्टार और आईपीएस लिखा हुआ। उसके बाद दोस्तों आता है असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक साल की सर्विस के बाद ये होता है, इनके इंसानिया में आपको देखने को मिलेगा एक स्टार, और उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा आईपीएस। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों गैजेटेड ऑफिसर स्टेट पुलिस लेवल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आते हैं डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सिलेक्शन ग्रेड का, और या फिर सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डीसीपी और एसएसपी इसको कह सकते हैं आप। और इनको पहचानने का तरीका यह है कि इनके इंसानिया में आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय चिन्ह, उसके नीचे दो स्टार, और उसके बाद आता है डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस
इसको कहते हैं डीसीपी और एसपी। इनके इंसानिया में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों एक राष्ट्रीय चिन्ह और एक स्टार। उसके बाद दोस्तों आता है एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इनके इंसानिया में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा एक राष्ट्रीय चिन्ह। उसके बाद दोस्तों आता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसीपी और डीएसपी। इनके इंसानिया में आपको देखने को मिलेगा 3 स्टार्स। दोस्तों अब बात करते हैं नॉन गेजेटेड ऑफिसर के बारे में इंडियन स्टेट पुलिस के। सबसे पहले आपका आता है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस INS। इनके इंसानिया में आपको देखने को मिलेगा 3 स्टार और रेड ब्लू कलर का रेवन। उसके बाद दोस्तों आता है असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और API कहते हैं इसको शॉर्ट में। इनके इंसानिया में आपको देखने को मिला 3 स्टार और रेड रेवन। उसके बाद दोस्तों आता है सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस SI, जिसे हम SI कहते हैं शॉर्ट में। और इनके इंसानिया में आपको देखने को मिला 2 स्टार रेड और ब्लू रेवन के साथ। उसके बाद आता है दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जिसे ASI कहते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिला इनके इंसानिया में 1 स्टार रेड और ब्लू रेवन के साथ। उसके बाद जो आता है दोस्तों वो आता है पुलिस हेड कांस्टेबल का, तो जिसे शॉर्टकट में कहते हैं HPC। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3 रेड कलर टाइप के, डाउनवर्ड्स में रेवन टाइप के कुछ दिखेंगे आपको। देखिए ये इमेज दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद दोस्तों आता है सीनियर पुलिस कांस्टेबल, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 रेड कलर के डाउनवर्ड्स जाते हुए रेवन। उसके बाद जो सबसे लास्ट में है दोस्तों वो है पुलिस कांस्टेबल का। यहाँ पे आपको इनके इंसानिया में कोई भी निशान नहीं दिखता है, कोई भी स्टार नहीं दिखता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए रोजाना लेके आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।